पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 6 डिफरेंट फिल्म मेकर्स ने फिल्म बनाई है. इट्स गॉट सम रियली बिग नेम्स इन टर्म्स ऑफ द मेंटर्स. विक्रमादित्य मोटवानी हैं, राजकुमार हिरानी, इन सभी ने मेंटोर किया इन फिल्म मेकर्स को. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस एक्सपेरिमेंटिंग विद मूवीज एंड आई विश. I think it's only thanks to the digital platform today and the platforms today that it's become popular and easily viable for audience. Right. Also, Tuscan Files ko kaafi acha response. We all know, I think it's completing 50 days now. Yeah. Tuscan is completing 50 days day after, and I'm so happy because as I said, ki aaj digital platform ka zamana hai aur usme a film that is which has had a small release in terms of the limited screens and publicity for it to do 50 days, I think it's momentous, and we are just all so happy as a film. Right. Any compliments that you've got that you can remember, like amazing compliments? I think the biggest compliment is that I've been receiving from the audience, because it's the audience jinhone Tashkent Files ko itni badi hit bana di hai. And thank you so much audience. I think my biggest compliment is when I receive it from the public. Thank you. क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दी सिक्स फिल्म्स एंड मेरी फिल्म का नाम है भास्कर कॉलिंग एंड बहुत ही स्वीट फनी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पेंस जिसमें मेरा किरदार है. बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है फिल्म का, तो बहुत अच्छा लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर वेंचर. एंड हमारा movies.com, आई मीन आई विश देम ऑल द लक, बिकॉज ये हर दो साल अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ ये फिल्में बनाते हैं. एंड बहुत अच्छा लगता है, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग सो प्रेस्टीजियस. ओके, सो ये एक पारसी ओल्ड मैन है जिसकी ये बेटी है. एंड मैं मेरे किरदार के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन द बेसिक स्टोरी इज दैट एक टेली मार्केटिंग वाला आता है इनके घर पे और पारसी अंकल को लोन दिलाने की कोशिश करता है, और कैसे क्या होता है इसके बाद, यू नो दैट्स द एंटायर स्टोरी. सो इट्स लवली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स एब्सोल्युटली फनी. देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है. मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज वो एक सस्पेंस एलिमेंट है फिल्म का. काम करके मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं.
देखना है, मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं देखना है। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। सही है, मैं विनय पल्लवी को और शुरुआत का ट्विस्ट की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द शॉर्ट फिल्म। नई चीज़ होती है इंडस्ट्री में, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ बिकॉज ये बहुत कम ऐसे होता है जहाँ पर कुछ नया देखने को मिले, नया करने को मिले, और आर्ट के एरिया में, फिल्म्स के एरिया में अगर कुछ नया होता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। ये जो शुरुआत का ट्विस्ट है, दिस इज एंथोलॉजी ऑफ सिक्स फिल्म्स, ये नॉर्मली नहीं होता है। आप नॉर्मली फिल्म देखने जाते हो, एक फिल्म देख कर आते हो, ये कुछ अलग है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टू विटनेस एंड टू सपोर्ट इट। एंड ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी आर्ट को बढ़ावा दें वो होनी बहुत ज़रूरी है। प्रवीण फर्नांडिस हैं जो मेरे राइटर थे मेरी एक फिल्म के जो मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मैं उनको, वो पहली जो फिल्म है उनकी, वो फर्स्ट फिल्म इन द एंथोलॉजी इज हिज, सो आई कम टू वॉच हिम एंड ही इज इनवाइटेड मी एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एंड एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक ओकेजन वेयर आर्ट इज बीइंग प्रमोटेड एंड इट्स नॉट अबाउट द कॉमर्स, विच इज ग्रेट टू सी। Directing or the one that I'm acting in? I don't know. Any, if you can share about your directorial plans also, and also acting, because we know you're acting. Sure, I mean, but it's a bit premature. Maybe next time when I meet you, I will talk about it. Because right now, I just want to just lock in everything and then talk about it. Okay, but as an actor, we have काफी interesting films कर रहे हैं. Can you share something about it? As an actor, not something that I'm doing at the moment that would really be exciting, but. I'm in the talks of many good things that are happening. Okay. And it's not only in films, it's also on the web, web series and a lot of stuff that I'm doing as an actor also. So yeah, so it's interesting times and let's see what happens in the future. Shorter, and new directors. I mean, Sanjeev is somebody that I know since my
क्या समझेंगे इसके एंड के बाद, आप 5-6 ऑप्शन सोच सकते हैं. सो दैट वाज व्हाट वाज इंटरेस्टिंग. और ये जो कैरेक्टर है, जो संगीतकार का कैरेक्टर जो मैंने निभाया उसमें, इट्स अबाउट एक ज़माने का सुपरस्टार जिसके पास अब कोई काम नहीं है और फिर एक कमबैक करने की कोशिश करता है. सो मैं समझता हूँ समवेयर कहीं मेरी जिंदगी का झलक है इसमें. यू नो आई सीन द बेस्ट एंड बीन विदाउट वर्क. सो इट्स ऑल देयर इन दिस. पहले तो हमारी जो ट्रेलर्स होते हैं वो 15 मिनट के ट्रेलर होते हैं. पूरी पिक्चर 15 मिनट में बन गई है. एंड एक कहानी को 15 मिनट्स में बोलना इज नॉट ईजी. लेकिन बोलते ना, कहानी अगर आपको 2 मिनट में समझ में आए तो समझ में आता है. सो वाई टेक 2.5 आवर्स टू टेल इट. आप 15 मिनट में बोल सकते हैं. हमने डन अ वेरी गुड जॉब. चंगी सर, अनन्या को इतना अच्छा सक्सेस मिला है, यू नो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू काफ़ी लोगों ने पसंद की है. आपने देखी फिल्म, आपके क्या रिएक्शन है? हाउ हैप्पी आर यू फॉर हर, यू नो दैट हर करियर हैज किक्ड ऑफ ऑन सच अ हाई नोट? सी आई एम ब्लशिंग. ऑफ कोर्स आई वाज सो एक्साइटेड. इनफैक्ट मैंने PVR जू में ही पिक्चर देखी. मैंने कास्ट एंड क्रू का ट्रायल देखा. करेक्ट. एंड मैं नॉर्मली जब अपनी खुद की फिल्में देखता हूँ तो बहुत ही क्रिटिकली देखता हूँ. तो सोचिए अभी मैं अपनी बेटी की पिक्चर देख रहा हूँ तो कितनी क्रिटिकली मैं देखूंगा. बट आई वॉज ओनली लुकिंग एट अ परफॉर्मेंस. मुझे डर था ये कैसे करेगी, अच्छा करेगी, क्योंकि मैं कभी शूटिंग पे गया नहीं था, ना ही मैंने इसके रशेस देखे थे. लेकिन पिक्चर देखने के बाद जब मैं घर आया, मैंने अपनी बीवी को बोला कि शांति से सो जाओ. आई थिंक शी इज डन अ गुड जॉब. बिकॉज जो कैरेक्टर उसने किया श्रेया, उसका रियल लाइफ से कोई रिसेम्बलेंस नहीं है. अनन्या ऐसे है नहीं. और उसने जो पिक्चर में निभाया वाज अ गुड जॉब. सो आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड. फर्स्ट फिल्म के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग थी. आई होप शी कैन कीप अप द गुड वर्क. राइट. शी इज गेटिंग पॉपुलर अमंग्स यूथ आल्सो, यू नो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है. हाउ आर यू टेकिंग ऑल द अटेंशन दैट शी इज गेटिंग, यू नो सडनली? आई एम गेटिंग पॉपुलर. वो दिन एक स्मॉल बच्चे ने आके मुझे बोला, ओ यू अनन्यास डैडी. सो आई फेल्ट वेरी नाइस. ऑफ कोर्स यू नो नथिंग बेटर देन हैविंग योर चिल्ड्रन डूइंग वेल. बट हाँ, उसका यंग फैन बेस काफ़ी बढ़ गया है. उसको खुद बच्चे बहुत पसंद है. शी लव्स चिल्ड्रन. शी कैन स्पेंड ऑल द टाइम विद चिल्ड्रन. तो आई थिंक वो रेसिप्रोकेट होता है. थैंक यू सो मच. विद बिकमिंग अ सेलिब्रेट कम्स लाइक एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यू नो यू आर ऑलवेज इन द न्यूज. काफ़ी स्टोरीज बनती रहती है, कॉन्ट्रोवर्सीज बनती रहती है. रिसेंटली लाइक यू नो व्हेन हर शी स्पोक अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन हर इंटरव्यूज, उस पर ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई थी दैट सम ऑफ हर फ्रेंड्स हु क्लेम टू बी हर फ्रेंड्स सेड दैट शी डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट. वॉट वॉज द रियल थिंग? बिकॉज वी नेवर गॉट टू नो, वी नेवर गॉट टू स्पीक विद हर. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर हर 12th शी हैड अप्लाइड फॉर अ यूनिवर्सिटीज एंड शी गॉट इनटू अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड फाइनली शी गॉट इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया. नाउ आई एम गेटिंग द नेम राइट. करेक्ट. एंड शी वाज सो एक्साइटेड बिकॉज शी रियली वांटेड टू गो. उसे वही कॉलेज में जाना था, वही कोर्स करना है. वो उसे मिल गया. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर हैपेंड. वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो गया कि कॉलेज जाए या पिक्चर करे. बट शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म. शी सेड पापा, फिल्म्स इज व्हाट आई वॉन्ट टू डू एंड मैं यही करूँगा. तो फिर हम शी रोट अ लेटर टू द डीन ऑफ द कॉलेज एंड सेड आई गॉट दिस फिल्म, कैन यू हेल्प, हाउ कैन यू हेल्प मी. सो दे डिफर्ड एडमिशन बाय 1 ईयर. ओके. सो वी पेड अ स्मॉल फी, डिफर्ड एडमिशन फॉर अ ईयर. बट अब लग रहा है कि उसको अभी अपने कमिटमेंट्स इंडिया में कंप्लीट करके फिर जाना पड़ेगा कॉलेज. सो व्हेनेवर शी गेट्स द टाइम शी गो आई एम श्योर. बिकॉज उसे शी लव स्टडिंग. शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट. सो शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. करेगी 100% करेगी. शी ऑल हर लाइफ विल बी द स्टूडेंट ऑफ द ईयर. That also Housefull 4 aa rahi hai. How is that going to be like? You know, people are waiting for the movie for so long now, and it's coming out finally. What can we expect? Well, Housefull 4 this Diwali double dhamaka hone wala, because sabka double role hai isme. Okay. But it's very interesting and zyada bata nahi sakta hu. Lekin jo film set hai London mein to hamesha hoti hai Housefull. To is baar London se Rajasthan aayi hai kahani. Okay. And present time and past time. Right. Rebirth ka angle hai usme. Right. To is dhang ka comedy aaj tak bana nahi hai. So I'm sure it should be very interesting. Uske pehle meri picture aa rahi hai Saho. Oh yes. 15 August ko Prabhas ke saath. Correct. And then there's another film which maine Sanjay Dutt ke saath kiya jiska naam hai Prasthanam. Oh yes. Okay. फिर एक मराठी फिल्म आ रही है. पहली बार मैंने एक मराठी फिल्म की है जिसका नाम है बंगार वाला. ओके ओके. एंड देन शुरुआत का ट्विस्ट जो आप देख
started so well with Ananya being accepted and, you know. Right. So I think it's been a happy year. Thank you so much, Andy, sir. Thank you.